ये ब्रिज पूरे विश्व में जो सी ब्रिजेस है उनमें से वन ऑफ द टॉप ब्रिजेस में से माना जा रहा है। इस ब्रिज में तीनों टेरेन से हमने काम किया हुआ है, यानी हमने इसमें लैंड का एक एलिवेटेड पार्ट है, इसमें समुद्र में एक ब्रिज है और साथ ही में मडफ्लैट्स में इसमें काम की गई है। इसमें कई टेक्नोलॉजीज ऐसी इस्तेमाल हुई है जो पहली बार भारत में इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक्स जो कि बड़े स्पैन देने में मदद करती है, जैसे कि रिवर्स सर्कुलेशन रिग्स जिससे कोई आवाज जो है वो कम होता है और साथ ही में वाइब्रेशंस कम होती है जिससे मरीन लाइफ एक्वेटिक लाइफ फ्लोरा फौना इसको मिनिमम डैमेज होता है। इस ब्रिज का अगर हम देखें तो इसमें जो रीइंफोर्स स्टील जो यूज किया गया है वो आइफिल टावर के 17 टाइम्स है, मतलब आप कितना स्टील यूज हुआ ये आप इमेजिन कर सकते हैं। जैसे इसमें जो स्ट्रक्चरल स्टील यूज की गई है दैट इज 4 टाइम्स द हावड़ा ब्रिज। इसमें जो कंक्रीट यूज किया गया है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के 6 पट से ज्यादा इसमें यूज की गई है। इसमें जो वायरिंग है वो वायरिंग को अगर आपने पूरे डायमीटर में लिया तो वो 2 पट होता है।